भाई साहब, इंडियन सिनेमा की औकात बदलने वाली है, और ना कि सिर्फ इतिहास बदलेगा बल्कि इतिहास लिखा जाएगा। कल की 2898 नो डाउट ये मूवी इंडियन सिनेमा में एक नया दौर लेकर आ रही है, जहां से इंडियन सिनेमा के जेनर या फिर आम भाषा में आजकल ट्रेंड कह लो, ये चलने वाला है जो कल की 2898 फॉलो कर रही है। और एक ऐसा रिवोल्यूशनरी डायरेक्टर का नाम फिर से हमें उभरता हुआ देखने को मिलेगा, जैसे बाहुबली 2 के टाइम पर या बाहुबली के बाद राजा मौली का नाम देखने को मिला था, तो कल की 2898 के बाद नाग अश्विन का ये नाम देखने को मिल जाएगा। क्योंकि ये बंदा, ये डायरेक्टर अपने कंटेंट को लेकर ना कि सिर्फ कॉन्फिडेंट है बल्कि ही इज फकिंग सीरियस अबाउट हिज वर्क। भाई लोगों, आफ्टर बाहुबली वो ट्रेंड जो हमें देखने को मिला था, जो बाहुबली के ही एरा को काफी कॉपी कर रहे थे, वैसा ही कुछ दोबारा से होगा जो कल की 2898 के एरा को कॉपी करा जाएगा आगे। तो भाई मूवी नो डाउट ब्लॉकबस्टर होने वाली है, बहुत सी अपडेट रोज निकल कर आ रही है मूवी से रिलेटेड, कल की 2898 से रिलेटेड, और निकलनी भी चाहिए क्योंकि ये मूवी बहुत बड़ी होने वाली है। और हाइप भाई, हाइप थोड़ा सा भी कम नहीं मांगता है। नाग अश्विन डायरेक्टर जो है इसके बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, चाहे आप VFX के खेल में ले लो, चाहे उस स्टोरी पार्ट में ले लो जिसे बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन कर रहे हैं। डिस्टोपियन एरा की मूवीज में अधिकतर काम होता है VFX का। भाई साहब, 50% पार्ट अगर आपका VFX दमदार है, ताजी नई मार्केट में मूवी आ रखी है ड्यून 2, जो बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल है, जहां पर VFX एंड कलर ग्रेडिंग के मामले में जो सॉलिड बाप लेवल का विजुअल इफेक्ट दे रखा है, भाई लोग थिएटर में जाके एक अलग ही दुनिया में पहुंच जा रहे हैं। और वही चीज, वही से फुल इंस्पायर होकर नाग अश्विन भी बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ड्यून 1 में जिसने VFX को डिजाइन करे थे, जो ऑस्कर विनिंग VFX थे, वही चीज कल की 2898 के VFX को डिजाइन करे, यानी वही सेम कंपनी। भाई साहब, पिक्स रिलीज होने की बात लगातार ट्रेंड कर रही है ट्विटर पर। खैर, मिल रहा था मौका लेकिन मैंने नहीं देखा कि कौन सी लीक वहां से हो रही है, और चलो होना भी चाहिए, हो सकता है ये मास्टरमाइंड हो किसका, मेकर्स का, कि हाइप बनी रहे इससे, या फिर वैसे बड़ी बड़ी कोई भी मूवीज आती है तो ऐसे पिक्स या फिर कुछ भी चीज़ें, क्लिप्स, इनसे छोटी मोटी चीज़ें लीक होती रहती है, वैसे होनी भी चाहिए क्योंकि ये हाइप को मेंटेन रखता है। फिलहाल मैंने अभी तक कोई नहीं देखी है, और ये बात कितनी सच है कितनी नहीं भाई, मैं इसकी सियोरिटी फिलहाल नहीं जानता हूं। लेकिन हाँ, मैंने इसमें कोई रिलेटेड नहीं देखा क्योंकि मुझे अपना मजाक बिल्कुल भी खराब नहीं करना है। 1.5 महीने बाद हमें ये मूवी देखने को मिल जाएगी 9 मई को, और अभी करके मेकर्स ने एक क्लिप भी रिलीज करा है, यानी इंटरव्यू हो रहा था जहां पर वो अप्रिसिएट कर रहे हैं प्रभास को, अमिताभ बच्चन को और कमल हसन को, मतलब वो अप्रिसिएट कर रहे थे कि मुझे बहुत लंबा समय लग गया इन तीनों दिग्गज एक्टर्स को साथ में लाने के लिए, और मैं बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करूंगा अपने इस कंटेंट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पेश करने के लिए जनता के सामने, क्योंकि इंडियन सिनेमा में ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी तक और ये पहले होने वाले हैं। दूसरी बात कैमियो की चल रही है। भाई साहब, कैमियोज में नानी, सुपरस्टार नानी देखने को मिलने वाले हैं। जूनियर NTR का भी नाम आ रहा है। यस, दोनों ही बंदे ये कैमियोज में देखने को मिलने वाले हैं। साइंस एंड टेक के मामले में थोड़ा सा भाई साहब वकांडा वाला फील देखे जा रहे हैं ये लोग, क्योंकि हमने ग्लिम्स में क्या देखा था, कल्चरल विथ हाई एडवांसमेंट, देन उसके साथ जो क्लिप्स एक और रिलीज हुई थी मैं छोटा मोटा देख रहा था, जहां कल की 2898 में जितने भी वेपन्स यूज होने वाले हैं, AI आर्टिफिशियल वेपन्स, वो भाई स्टार वॉर्स, अगर आपने विन डीजल की रिडिक मूवी देखी है जो डिस्टोपियन एरा को ही फॉलो करती हैं, वहाँ के जो वेपन्स थे वही सेम वेपन्स, वही वाइब यहाँ पर भी देखे जा रहे हैं। तो फिर एक बार कहूँगा भाई, नाग अश्विन बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा डिस्टोपियन एरा को वो हॉलीवुड लेवल का मैचअप देने के लिए। बाकी वेट है 8th ऑफ मार्च का, यानी शिवरात्रि का, जो बहुत ही बिगेस्ट डेट होने वाली है यार हिस्ट्री मेकिंग, क्योंकि यहाँ सिर्फ कल की 2898 से जुड़ी ही बिग अपडेट नहीं मिलने वाली है भाई, शैतान मूवी आ रही है और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट उसी दिन को ही आ रहे हैं 8th ऑफ मार्च को। लेकिन इस दिन क्या कल की 2898 का टीजर आ जाएगा? भाई साहब आना चाहिए, फाइन लेंथ है मूवी को रिलीज, 9th ऑफ मई को मूवी रिलीज होगी, देन 2 महीने पहले ही अगर ये टीजर रिलीज करते हैं, फाइन लेंथ है, फाइन गैप है, एक अच्छा हाइप मेंटेन करने के लिए, फैंस को और ज़्यादा एक्साइटमेंट देने के लिए, क्योंकि April 1st में हमें फर्स्ट ट्रेलर देखने को मिल जाएगा मूवी का, देन उसके बाद April last में हमें सेकेंड ट्रेलर भी देखने को मिल जाएगा। तो दिस इज द फाइन लेंथ, एंड अप्रैल में ना कि सिर्फ टीजर मिलेगा भाई, सॉन्ग्स भी मिलने वाले हैं क्योंकि उस पर भी काम चल रहा था। तो वेट है भाई, फुल अप्रैल दमदार होने वाला है, कल की 2898 यानी नाग अश्विन का अप्रैल होने वाला है, प्रभास का अप्रैल होने वाला है, 8th ऑफ मार्च को टीजर का कौन कौन इंतजार कर रहा है, मिलते अगली वीडियो पर, चाहिए।